पीएम पद के लिए जेडीयू ने फिर नीतीश का नाम बढ़ाया। ललन सिंह बोले, वे आए तो लागू करेंगे नरेंद्र मोदी संविधान। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया बोले, सत्ता में आने के बाद होगा प्रधानमंत्री के नाम का फैसला। कल्याण सिंह पुण्यतिथि को भुनाएगी बीजेपी, हिंदू गौरव दिवस पर अलीगढ़ पहुंचेंगे अमित शाह और योगी, मंत्रियों से भरा होगा पंडाल। लोकसभा चुनाव में खास फॉर्मूला अपनाएगी पार्टी, कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान पहले करेगी बीजेपी। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, कांग्रेस से उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरुआत से मांगे आवेदन। आज होगा सीएम शिवराज का बड़ा कार्यक्रम, नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र करेंगे प्रदान, सीएम राइज स्कूल में होगा कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव में यूपी में ठाकुरों की शरण में जाएगी सपा, अगले महीने क्षत्रिय एकीकरण सम्मेलन करेगी पार्टी। चांद पर लैंडिंग से महज 2 दिन दूर विक्रम लैंडर, इसरो ने जारी किया समय। हिमाचल प्रदेश में फिर छाए टेंशन और तबाही के बादल, 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। ऋतुराज संजू और रिंकू सिंह ने बल्ले से मचाया तूफान, आयरलैंड को फिर सीरीज में रौंदा। ब्राजील में बस दुर्घटना में 7 फुटबॉल प्रशंसकों की मौत, दर्जनों गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ब्रिटिश कोलंबिया में आग भड़कने की वजह से आपातकाल लागू, शहर कराए गए खाली, सेना की हुई तैनाती। दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स की सदस्यता के विस्तार का किया समर्थन, राष्ट्रपति रामाफोसा ने की पुष्टि। ब्रुकलिन अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल, 10 दमकल कर्मियों को भी आई है चोटें। कुरान को अपवित्र करने पर ईरान ने जताया कड़ा विरोध, स्वीडन और डेनमार्क के दूतावास प्रभारियों को किया गया तलब। आज से दिल्ली में 25 रुपए किलो प्याज बेचेगी सरकार, बफर स्टॉक के लिए 2 लाख टन प्याज की होगी खरीदारी। थोक में सब्जियां हुई सस्ती पर खुदरा बाजार में नहीं, मंडी में हरी सब्जियों की आवाह अधिक, खरीदार कम। 16वें वित्त आयोग का गठन नवंबर तक संभव, ई कॉमर्स नीति अंतिम चरण में। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज करीब 78 ट्रेनें रद्द रहेंगी, कई गाड़ियों का बदला गया है रूट। गृह मंत्रालय रेलवे और बैंक अधिकारियों के खिलाफ सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें, रिपोर्ट में किया गया है दावा।